एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। टुडे वी विल डिस्कस रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को करते हैं आई से, और अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या रिलेशन है इनके बीच में? टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। देखो हम किस तरह से प्रूव करेंगे ये वाला रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला रिलेशन, सबसे पहले हम कंसिडर कर लेंगे एक रिजिड बॉडी जिसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इस तरह से एक रिजिड बॉडी हम कंसिडर कर लेंगे और उसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। मान लो फर्स्ट वाला पार्टिकल, इसका मास एम वन है, सेकेंड एम टू, एम थ्री, इस तरह से एम एन, और जो उनका आर वन, आर टू, अप टू आर एन क्या है, उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। ये आपके पास, ये मान लो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जो ये रिजिड बॉडी है, हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो रिजिड बॉडी है ये क्या कर रही है, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस तरह से ये रोटेट कर रही है एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। और जो, और किस एक्सेलरेशन से कर रही है? विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से ये क्या कर रही है, बॉडी रोटेट कर रही है, रिजिड बॉडी। यही चीज हमने राइट डाउन किया। देखो, कंसिडर ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए गिवन एक्सिस विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अंडर द एक्शन ऑफ ए टॉर्क। क्लियर? ओके, अब देखो यही चीज हमने यहां पर भी राइट डाउन करी है, आपको एग्जाम में आएगा तो आप इस तरह राइट डाउन करोगे। लेट द बॉडी कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1, m2 अप टू mn एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, r2 अप टू rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। r1, r2 अप टू rn जो है क्या है, उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उन पार्टिकल्स के फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर हुई ये वाली बात? ओके, अब देखो हम सबसे पहले क्या चीज फाइंड आउट करेंगे। देखो मान लो हम इस वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं जिसका मास m1 है, ठीक है। इस पे क्या लग रहा है, क्या होगा? टॉर्क, ठीक है। तो हम उसे नाम दे देते हैं tau1, ठीक है, फर्स्ट वाले पार्टिकल पे। और टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? अब हम फर्स्ट वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो f1, ठीक है, f1 क्रॉस r1 आ जाएगा यहां पे, ठीक है। अब फर्स्ट वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम कौन सी वाली फोर्स लगा रहे हैं इस पे, टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो F और R के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, है ना। F1 R1 साइन थीटा आना था, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? 1, है ना। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं tau1 इक्वल टू F1 R1, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं हम इसे, ठीक है। अब देखो F1 की जगह हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे आ जाएगा m1 a1 और साथ में आ जाएगा r1। क्लियर है ये वाली बात? फोर्स की जगह हमने राइट डाउन कर लिया मास इनटू एक्सेलरेशन, इस तरह से राइट डाउन करेंगे। ओके, अब देखो वी नो लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, हम राइट डाउन करते हैं a इक्वल टू किसके बराबर होता है, r अल्फा, है ना। वेयर अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में ये वाला रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे हम, है ना। अगर अब हम यहाँ पे tau1, आपके पास क्या बन जाएगा, देखो tau1 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास m1, वैसे ही रहेगा m1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे a1, a1 की जगह हम राइट डाउन करेंगे, देखो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू r और साथ में r1 आएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं और यहां पे अल्फा ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पे हमने अल्फा वन क्यों नहीं राइट डाउन किया, बिकॉज देखो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना, बिकॉज ये रिजिड बॉडी है। अब रिजिड बॉडी में क्या होता है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, है ना, उनकी जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, उनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अगर हम सभी पार्टिकल्स की बात करें, ठीक है, तो उनकी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी रहती है, सेम रहती है, है ना। देखो बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, बट किससे, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रही है वो, है ना। पर अगर हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात करें रिजिड बॉडी में, तो रिजिड बॉडी में क्या होता है, जो भी उनकी एंगुलर एक्सेलरेशन होती है वो क्या रहती है, सभी पार्टिकल्स की क्या रहती है, सेम रहती है, है ना। और वो क्यों सेम रहती है, बिकॉज उसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है सभी पार्टिकल्स की, वो कैसी रहती है, सेम रहती है। एंगुलर थीटा की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे मान लो ये रिजिड बॉडी है ना, ये रोटेट कर रही है इस तरह से, तो ये इस वाले पार्टिकल के लिए भी देखो ऐसे है,
इस वाले पार्टिकल के लिए भी, जैसे अगर ये ऐसे रोटेट किया तो इस वाले पार्टिकल के लिए भी उतना ही एंगल होगा, इसके लिए भी उतना ही एंगल होगा। थीटा की वैल्यू क्या रहती है सबके लिए? सेम रहती है, इसलिए एंगुलर एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी सभी पार्टिकल्स के लिए? सेम होगी, इसलिए हमने यहाँ पे अल्फा ही राइट डाउन किया सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब टाउ वन क्या बन जाएगा आपके पास? एम वन, और ए वन की जगह आपके पास आ जाएगा आर वन अल्फा, और साथ में आपके पास क्या है? आर वन, है ना। और इसे हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं? एम वन आर वन स्क्वेयर इंटू अल्फा, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम सेकंड वाले पार्टिकल की बात करें तो टाउ टू की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम टू आर टू स्क्वेयर साथ में अल्फा। इसी तरह से अप टू सो ऑन। टाउ एन की बात करें अगर हम, तो आ जाएगा यहाँ पे एम एन आर एन स्क्वेयर साथ में आ जाएगा अल्फा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, अब देखो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अगर हम टोटल टॉर्क की बात करें तो क्या होगा? टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी, हम टोटल टॉर्क की बात करें टाउ, तो वो किसके बराबर होगा? देखो टाउ इक्वल टू, ये तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात कर रहे थे हम, है ना। अब पूरी बॉडी की बात करें, रिजिड बॉडी की, तो टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? टाउ वन प्लस टाउ टू अप टू सो ऑन टाउ एन, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगी टाउ की वैल्यू, देखो सबसे पहले ये वाली एम वन आर वन स्क्वेयर अल्फा प्लस एम टू आर टू स्क्वेयर अल्फा प्लस अप टू सो ऑन, क्या आ जाएगा यहाँ पे? एम एन आर एन का स्क्वेयर इंटू अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर देखो अल्फा सब में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एम वन आर वन स्क्वेयर प्लस एम टू आर टू स्क्वेयर प्लस अप टू एम एन आर एन स्क्वेयर, और बाहर क्या आ जाएगा आपके पास? अल्फा। क्लियर? ओके, अब इसे देखो हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। एम आर स्क्वेयर किसके बराबर होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स का है, और इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? समेशन आई, वेरी कर रहा है वन से लेके एन तक, और यहाँ आ जाएगा एम आई आर आई का स्क्वेयर, है ना। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं इसको हम, और बाहर क्या है आपके पास? अल्फा। और ये किसके बराबर है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का अबाउट एनी एक्सिस, तो टाउ इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, साथ में क्या आ गया? अल्फा। देखो ये चीज प्रूव हो गई, टाउ किसके बराबर आ गया? आई इंटू अल्फा, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। क्लियर? सिंपल था, है ना। अब देखो अगर इसको हम कंपेयर करें किसके साथ? फोर्स के साथ, है ना। तो फोर्स कैसे, फोर्स को हम राइट डाउन करते हैं क्या? एफ इक्वल टू एम ए, इस तरह से राइट डाउन करते हैं फोर्स को, है ना। तो फोर्स देखो, जो लीनियर मोशन में फोर्स होती है और रोटेशनल मोशन में, वो वाला वर्क कौन करता है? टॉर्क करता है, है ना। और ये क्या है आपके पास? देखो लीनियर एक्सेलेरेशन, और ये एंगुलर एक्सेलेरेशन होगी अल्फा। और यहाँ पे जो लीनियर मोशन में जो मास वर्क करता है, वो रोटेशन मोशन में कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो आई हो गया, है ना। इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। देखो ये हमारा लीनियर मोशन के लिए जो इक्वेशन है एफ इक्वल टू एम ए, और यहाँ पे रोटेशन मोशन के लिए क्या आ गई है? टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो देखो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टाउ किसके बराबर होता है? आई इंटू अल्फा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।